वेलकम टू टॉप टेक फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एम एक्स प्लेयर में प्लीज़ यूज़ वर्जन 1.45.0 ARMVR नियॉन कोडेक की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। अपने ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने सर्च में टाइप करना है प्रो टॉप टेक फॉर यू। उसके बाद आपने यहाँ से इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी, तो आपने यहाँ से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा, आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। अगर आपको ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आपने यहाँ से इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। अब आपने यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अगर आप इस आर्टिकल को यहाँ पे रीड करना चाहते हैं तो आपने इसको यहाँ पे रीड कर लेना है, इसमें सारे डिटेल में लिखा गया है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक है टू डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, आपने यहाँ से इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपने ओपन इन न्यू टैब पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपने उस नई टैब को आपने ओपन करना है। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड एनीवे का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ से इस पर क्लिक करना है तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने एम एक्स प्लेयर को ओपन करना है। ऊपर आपको 3 बार का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपने नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर आपको लोकल प्लेयर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको ओपन करना है। अब तीसरे नंबर पर आपने डिकॉर्डर पर क्लिक करना है। डिकॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे लास्ट में आ जाना है, तो आपको यहाँ पे कस्टम कोडेक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपने उस फोल्डर को फाइंड करना है जिसके अंदर आपने इस फाइल को डाउनलोड करके रखा होगा। उस फोल्डर को फाइंड करने के बाद आपने ओपन करना है, तो आपने यहाँ से इस फाइल पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका MX प्लेयर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो अपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहें।